नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति.com में और मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल राजनीति.com की पूरी टीम पहुंची है सिरसा के PWD रेस्ट हाउस में, जहां पर MSME की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, जिसके साथ इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है प्रदीप मिश्रा सरकार, जो MSME PCI के वाइस चेयरमैन है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है राजनीति.com में। धन्यवाद जी। तो सर, किस उद्देश्य के साथ जो है आज ये मीटिंग की गई है और कौन कौन लोग फिलहाल इस मीटिंग में मौजूद हैं? देखिए, MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में युवा रोजगार को बढ़ावा देते हुए संपूर्ण भारत में कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान किया जा रहा है, जिसके पड़ाव में आज हम लोग सिरसा में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हरियाणा के चेयरमैन श्री सुनील वर्मा जी को नए दायित्व का कार्यभार दिया जाएगा और यहाँ एक हरियाणा प्रदेश की सारी कमेटियों की बैठक है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर, आपने बताया कि यहाँ पर जो है सुनील वर्मा जी को कार्यभार दिया जाएगा, किस मतलब उद्देश्य के साथ दिया जाता है और बैकग्राउंड क्या चेक किया जाता है किसी भी कैंडिडेट का कार्यभार संभालने से पहले? देखिए, एक तो वो सामाजिक होना चाहिए, निष्पक्ष भाव का होना चाहिए जी। दूसरा, यह देखा जाता है कि जो हम लोग जिस अभियान को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहे हैं, उसका दायित्व तो निर्वहन करने के लिए वो सक्षम है कि नहीं है, सारे बिंदुओं से हम लोग चेक करते हैं जी। और चेक करने के बाद उसको नए दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, कमेटी द्वारा उसको पूरा उसकी पूरी बायोग्राफी को चेक कराया जाता है कि साफ सुथरा प्राधिकरण का ना हो, कहीं से डिफाल्टर ना हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेक करते हुए उनको नए दायित्व को दिया जाता है। MSME मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज, सर किस तरह से काम करता है ये, पूरे हरियाणा में किस तरह से काम करने वाला है, किस तरह की नीति है सरकार की जिसके अकॉर्डिंग जो लोगों को फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सरकारी व्यवस्था और बैंकिंग को लेकर जो एक समाज में भय व्याप्त है और भय के साथ साथ उनको यह जागरूकता नहीं है या जानकारी नहीं है कि हम अपनी किसी प्रोडक्ट एक्टिविटी या किसी कुटीर उद्योग को कैसे स्थापित करें जी। MSME PCI करता क्या है? MSME PCI किसी भी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने या प्रोत्साहन देने के लिए सर्वप्रथम उसको प्रशिक्षण का काम कराना, एक हम लोग अच्छे अपने कमेटी द्वारा हायर किए हुए अच्छे CA के माध्यम से उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का तैयार करके MSME द्वारा उसको उद्यम में रजिस्ट्रेशन करा के अप्रूव्ड कराना, देन बैंकिंग द्वारा उसको बैंकों से जो भी उसकी इच्छा अनुसार या उसकी स्वइच्छा से या MSME द्वारा रिकमेंडेड जो भी बैंकें हैं नेशनलाइज या प्राइवेट बैंकें, उनके माध्यम से उसको लोन दिलवाना, लोन दिलवा के उसके कुटीर उद्योग को स्थापित करना, फिर उसको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग और उसमें देने का काम किए कि जैसे रॉ मटेरियल कच्चा उत्पाद हुआ, जैसे किसी भी कुटीर उद्योग को स्थापित करने के बाद रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसकी वैल्यू की। सपोज डेट आज सिरसा में कोई हमारा भाई कुटीर उद्योग लगाता है, लगाने के बाद रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारा संगठन संपूर्ण भारतवर्ष में फैल चुका है जी। तो जैसे अगर इसको कोई प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल के लिए 100 रुपये की कोई वस्तु मिल रही है तो हम लोग पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में उसकी मॉनिटरिंग कराते हैं, उसकी वैल्यू को पता करवाते हैं। अगर वो उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में वह 70 रुपये में मिल रहा है तो हम लोग उस जो सिरसा में बैठा हुआ व्यक्ति उसकी कनेक्टिविटी को वहाँ ले जाके 70 रुपये में ज्वाइन करा देते हैं। तो एक तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू से उसके उत्पाद की जो कास्टिंग होती है वो बढ़ जाती है। तीसरा चीज़ रहा, अगर वह अपना उत्पाद तैयार कर लेता है, उत्पाद तैयार करने के बाद वह अगर अपने अपने मटेरियल को सेल आउट नहीं कर पा रहा, अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहा है, तो हम अपने कमेटी के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में उसके प्रोडक्ट के सेल आउट करने का भी काम करते हैं। एक तरह से आप जानिए एक कम्बो परिवार के तरीके, जैसे एक बच्चे का पालन पोषण भरण पोषण होता है, कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा और प्रोग्रेस कैसे हो, वैसे एक कुटीर उद्योग स्थापित करके और एम्प्लॉयमेंट देते हुए, हम एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं अच्छा स्किल का ट्रेनिंग करा के, उसको कैसे संपूर्ण भारतवर्ष में उसको एक बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित करें, MSME PCI इस रूप में काम करता है। सर, MSME को लेकर जिस तरह की परियोजना ये सरकार द्वारा शुरू की गई है, अगर मैं अवेयरनेस की बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए, तो
कितनी अवेयरनेस है लोगों में एमएसएमई को लेकर? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि अभी हमने लास्ट में जयपुर में प्रोग्राम किया 23 तारीख को, 24 तारीख के ग्लोबल समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 15 मिनट का डिबेट जो उनका हुआ था, वो एमएसएमई प्रमोशन को लेकर हुआ कि एमएसएमई भारत का क्या है, एमएसएमई भारत की एक रीढ़ है, इसमें 52% इकोनॉमी को ये अपने आप में स्टैंड करता है, आज लगभग 12 से 14 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है, तो ये बहुत व्यापी है। और भारत को पुनः सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करने का हम लोगों ने एक अभियान किया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का हर बिंदु पे हम लोग उनके स्पीच से, उनकी प्रोग्रामिंग से, उनके द्वारा पॉलिसी जो क्रिएट की जा रही, उससे हम लोग देख के प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने की एक ऊर्जा भी मिलती है कि जिस काम को हम लोग लेकर चले हैं उसमें कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन के रूप में उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। निश्चित तौर पे एमएसएमई एक अपने आप में समुद्र है और इसको हम लोग एक अभियान के तरीके पूरे संपूर्ण भारतभर में स्थापित करेंगे। और हमारा एक नारा भी है कि हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो हर घर हर हाथ। यह अभियान तब तक चलेगा जब तक हम संपूर्ण भारतवर्ष में हर घर हर हाथ रोजगार पहुंचाना दें। सर, एमएसएमई को क्या G20 के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, उसका तो बहुत बड़ा पार्ट G20 है, I20, B20, ये तीनों किस तरह से ये भूमिका निभाने वाला है एमएसएमई G20 में? नहीं, उसका बहुत बड़ा पार्ट है। भूमिका क्या, वो सारा चीज़ तो उसी उत्पाद से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, ग्लोबल समिट इसीलिए हो रही कि तमाम जो 20 देशों के लोग आ रहे हैं, कैसे यहाँ आयात निर्यात हो, कैसे अच्छे उद्योग लगें, कैसे छोटे छोटे उद्यम स्थापित हों। अच्छा, कोई अगर इंडस्ट्री लगती है तो उसमें बहुत सी चीज़ों का बहुत पार्ट ऐसा होता है जो छोटे छोटे पार्ट से होता है। एमएसएमई उसमें अपनी बहुत अग्रिम भूमिका में अपने आप को स्थापित करके, और मान के चल रहा है कि बिना एमएसएमई डिपार्टमेंट के एक अधूरा सपना होगा G20। जी, तो सर अभी की बात करें, जैसे आज तो आप ही सिरसा में मीटिंग कर रहे हैं, इससे पहले जयपुर में की थी, आने वाले समय में कहाँ कहाँ पर मीटिंग होने वाली है और किस तरह की रणनीति लेकर चलने वाले हैं आप लोग? देखिए, रणनीति, नीति और नियत एकदम बिल्कुल साफ है। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा अभियान चल रहा है, लगभग 22 प्रदेशों में हम काम कर रहे हैं। और ये अभियान आज और जयपुर तक ही नहीं था, लगभग विगत 6 महीनों से हम लोग संपूर्ण भारत के ब्लॉक ब्लॉक, जिले जिले, प्रदेश प्रदेश और देश के कोने कोने में अपनी टीम के साथ संचालित हो रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता। अभी मैं छत्तीसगढ़ प्रोग्राम किया, अभी मेरा जो है 2 तारीख को झारखंड में है, 8 तारीख को उड़ीसा में है, 11 तारीख को मेरा उत्तराखंड में है, 16 तारीख को मुंबई में है। तो कंटिन्यू ये प्रोग्राम लगे हुए हैं और एक सेंट्रल कमेटी की एक बड़ी टीम है जिसमें सभी लोग हमारे पदाधिकारी हैं और नीति और नियत और साफ सुथरा व्यवस्था से अपने आप को स्थापित करते हुए संपूर्ण भारत में काम कर रहे हैं। जी, तो अंत में जो भी लोग आपको देख रहे हैं, तो एमएसएमई की तरफ से, क्योंकि आप वाइस चेयरमैन हैं एमएसएमई पीसीआई के, सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा रणनीति.com को कि आप यहाँ आई और हमारी बातों को संपूर्ण भारतवर्ष में, देश विदेश में प्रसारित करें। और सभी अपने भाई बंधुओं से निवेदन करूँगा, एमएसएमई पीसीआई से आप लोग जुड़ें और इस अभियान में एक ताकत दें और संपूर्ण भारतवर्ष में रोजगार, जो एक सबसे बड़ी बीमारी है, उसको दूर करने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा सरकार जी आपका। जी, तो मिश्रा सरकार जी हमारे साथ मौजूद थे, जो आज सिरसा में पहुंचे हैं PWD रेस्ट हाउस में, और यहां पर जो है आज वर्मा जी को चेयरमैन बनाया गया है एमएसएमई पीसीआई का। और हर एक प्रदेश में जो है कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द चेयरमैन बना के लोगों के अंदर एमएसएमई को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि लोगों को समझ में आए कि सरकार ने जो एमएसएमई है वो किस उद्देश्य के साथ शुरू किया है। अगर इसको लेकर, एमएसएमई को लेकर आपके मन में भी कोई भी डाउट है, तो राजनीति.com के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई भी आपके मन में डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द हम आपके सवालों का जवाब आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बने रहिए राजनीति.com के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।